16 साल पुरानी होमोसेक्सुअल ओसीडी हुई ठीक। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 16 साल पुरानी होमोसेक्सुअल ओसीडी ठीक हुई है और मात्र 35 दिनों में ठीक हुई है। किस तरीके से, क्या कुछ हुआ, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। लखनऊ से एक 27 वर्षीय युवक थे जिनको 16 साल पुरानी ओसीडी थी और बचपन से ही उनको क्या था कि घर में कुछ दबा करके रखा जाता था, बाहर निकलने के लिए उनको ज़्यादा दिया नहीं जाता था। घर का माहौल ऐसा था, पिताजी शराब पीते थे, उस वजह से मदर ने कुछ नेगेटिविटी उनके दिमाग में डाल दी थी। अब क्या हुआ कि घर से तो वह बाहर जाते नहीं थे, तो घर के अंदर अंदर रहना, अपनी सिस्टर के मदर के साथ रहना, टीवी सीरियल देखना, बस यही उनकी दिनचर्या थी और इसी के अंतर्गत वह रहते थे और इसी के अंतर्गत वह चलते थे। फिर उनके सिस्टर का शादी हुआ, तो शादी होने के बाद में उनके जो जिया जी थे उन्होंने एक दिन क्या किया कि लगभग शादी होने के एक महीने बाद की बात थी, तो उसके जिया जी घर पे आए हुए थे, तो वह उनके साथ में सो रहा था। तो जिया जी ने उसे कुछ गलत तरीके से टच वगैरह किया और कुछ किस वगैरह उनके बीच में हो गया, पूरी बात तो इधर मैं नहीं बोल सकता। वहां से क्या होता है कि इसकी वह चीज़ें ट्रिगर होनी शुरू हो जाती है और तेज़ गति से, क्योंकि पहले उसका जो बाहर लोगों के प्रति जो नज़रिया था वह नेगेटिव था, क्योंकि उसको गलत तरीके से उसके दिमाग में यह चीज़ें पूरी तरह से ऐसा फिट कर दी गई थी और अब उसको उस चीज़ के अंतर्गत आगे बढ़ने का फिर अवसर मिला। तो जैसे ही वह इसके अंदर आगे बढ़ा तो उसको इसमें परेशानी होने लगी और जो जिया जी ने उसके साथ में हरकत की थी तो उसकी वजह से उसे और ज़्यादा परेशानी हुई। अब क्या होता है कि इसके चलते वह धीरे धीरे इस चीज़ की तरफ उसका ज़्यादा अट्रैक्शन वगैरह जाता है, बार बार थॉट आते हैं जांचना परखना। फिर उसने 2-3 ऐसी और गलत हरकतें कर ली थी। उसके बाद में जब उसको इस बारे में पता चला तो उसने गूगल पर सर्च किया, तो वहाँ से उन्होंने हमारे को ढूँढा और हमारे को ढूँढने के बाद में वह हमारे साथ जुड़ गया। अब हमारे साथ जुड़ने के बाद में 35 दिन में उसको रिजल्ट मिला। इतना टाइम क्यों लगा, यह समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना टाइम उसको इसलिए लगा क्योंकि उसने क्या किया था कि शुरुआत में जो चीज़ें उसके साथ में हो रही थी उसने उन सबको सच मान करके रखा था। उसको ऐसा भी लगता था कि मेरे जिया जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर उनको कुछ मेरा उसमें लगा था तभी तो किया ना, और अगर मैंने उस दिन उनके साथ ऐसा किया तो मुझे कुछ अट्रैक्शन आया, फील आया, तभी तो किया ना, अगर मुझे ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर मैं नहीं करता। ये सब चीज़ें उसके साथ में हुई बहुत अच्छी तरह से, उसने इसको जांचा परखा, इसके अंदर चलता रहा और दिन प्रतिदिन जैसे उसके सेशन आगे बढ़ते थे वैसे वैसे उसके प्रत्येक डाउट को हम क्लियर करते थे और डाउट ही चल रहे थे उसके, तो जैसे उसका सेशन बढ़ा वैसे डाउट क्लियर करते रहे। फिर उसको एक दिन हमारा इसके अंदर SST का सेशन करवाने के बाद में उसका पर्सनल काउंसलिंग सेशन हुआ था, तो उसके अंतर्गत उन्हें बहुत सारी चीज़ों से अवगत करवाया गया और ज़्यादा नहीं उसको 47 हमने ऐसी ट्रिक्स दी थी जिसके ऊपर उसने काम किया, 47 ट्रिक्स के ऊपर उसने काम किया, तब जा कर के वह इस चीज़ में डाइवर्ट हुआ और 35 दिन में वह 100% ठीक हो गया। यह बात है 27 मई के करीब की बात है, तो वह 100% इसके अंदर ठीक हो गया। आज अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, सब चीज़ें उसकी अच्छी चल रही है और अभी बोल भी रहा था कि अभी नवंबर में मेरा शादी तय हुआ है तो अब वह शादी भी करेगा और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी भी रहा है, ठीक है। तो सब चीज़ें उसके साथ में हुई है, बहुत अच्छे से हुआ है, सब चीज़ें उसने इंजॉय की है। अब आज की यह स्टोरी सुनने के बाद में आपको क्या लगा, यह मैंने आपको स्टोरी क्यों बताई है, यह स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई है कि अगर उसका OCD ठीक हुआ है तो आपका भी हो सकता है, परंतु चाहना तो आपको पड़ेगा ना। जैसे उन्होंने चाहा कि मुझे मेरा OCD को ठीक करना है तो उनका OCD ठीक हुआ,
अगर आप चाहोगे तो आपकी OCD भी ठीक होगी, परंतु चाहना तो आपको पड़ेगा, प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप प्रयास करते हो, चाहते हो, एफर्ट लगाते हो, तो आपकी OCD ठीक हो जाएगी, जड़ से समाप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी तरीके का कोई हरकत हो गया है आपके साथ में, तो डरना घबराना नहीं है, बस आपको एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन ले लेते हो तो इसके अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा जैसे उनको मिला था, ठीक है, और आज एक अच्छा जीवन वह जी रहे हैं। अब जब उनका फीडबैक हुआ था, पीछे हुआ था उनका फीडबैक, तो मैंने उनसे पूछा था कि OCD को हराना आसान है या मुश्किल है। कहते हैं ये सवाल सर आपने भी पूछा था, और उस दिन आपने मेरे को एक बात भी कही थी कि जिस दिन लास्ट दिन ये सवाल पूछूंगा उस दिन आपका जवाब बदल जाएगा। वास्तव में आपकी बात मान गया, ये चीज़ें होती है। तो उन्होंने कहा OCD को हराना बहुत ही आसान है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना OCD तो ख़त्म नहीं होती, डाइवर्ट होती है, ये होता है, वो होता है। देख लो, अगर आप करना चाहो तो कुछ भी हो सकता है, आपकी OCD जड़ से समाप्त हो सकती है, परंतु चाहना आपको पड़ेगा। सीधी सी बात यही है कि चाहना आपको पड़ेगा, और जितना आप एफर्ट डालोगे, जितना मेहनत करोगे ना, उतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो बेहतर से बेहतरीन की ओर हमें जाना है, एफर्ट लगाना है, प्रयास करना है, मेहनत करना है। तो उन्होंने जो जो ट्रिक्स को अप्लाई किया उसको मैं बता देता हूँ। उन्होंने SS का फॉर्मूला, मॉर्निंग इवनिंग का रूटीन, कुछ हिडन टेक्निक्स थी, और खास करके उनके केस में तो ज़्यादातर हिडन टेक्निक्स ही कामयाब रही, क्योंकि नॉर्मल ट्रिक्स से उनको इतना कोई फ़ायदा हुआ नहीं था। तो फिर उनको हिडन टेक्निक्स जितनी भी करवाई गई थी ना, सब ट्रिक्स को उन्होंने सॉल्व किया, और 33 ट्रिक हमने उनको करवाई थी, और 33 की 33 ट्रिक को उन्होंने कंप्लीट किया था, और उसके बाद में उनका OCD जड़ से समाप्त हो गया, अभी अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप भी अपनी OCD को समाप्त करिए, अपना ढील मत बरतिए। ये जीवन बहुत ही खूबसूरत है, आकर्षक है, आनंददायक है, इसे हमें जीना है, न कि काटना है। अगर उनका OCD ठीक हुआ है तो आपका भी होगा, ज़रूर होगा, 100% होगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।